बाएं दाएं जो भी लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी रहते हैं, आप देख रहे हैं ना। एक माँ के पेट से लेकर और कब्र या फिर शमशान तक जाते जाते वक्त भी उन्होंने योजना बना के काम किया। इंजन वही है, डब्बा से बदला है। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नीतियों से समझौता नहीं किया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए जेडीयू के नेता लोग हैं, विधायक हैं, उनसे ही बात करते हैं। क्या लग रहा है सर, अभी नीतीश कुमार फिर से पलटी मार दी है, लोग अजीब अजीब बात लगा कह रहे हैं। अरे नीतीश बाबू पलटी थोड़े मारते हैं, नीतीश बाबू तो अस्थायी है, नीतीश कुमार अन्य मार्ग में देख रहे हैं। अस्थायी है, पहले महागठबंधन में तो अभी एनडीए में। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी ने है, तो नीतीश कुमार जी तो पलटी मार के कहीं दूसरी जगह नहीं चले गए, बिहार में ही है, बिहार के मुख्यमंत्री है। इनके साथ जो है बाएं दाएं जो भी लोग जाते हैं आते हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी रहते हैं, आप देख रहे हैं ना। कह रहे हैं लगातार बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ही सरकार है, ये बात तो सही है। तो ऐसा ही होता है, कभी कभी पार्टी में कुछ ना कुछ होते रहता है कार्यकर्ताओं में, तो कभी कोई इधर बाएं और दाएं हो जाते हैं। आप लोग अभी नीतीश कुमार जी के साथ ही हैं? हम तो नीतीश कुमार जी के साथ हैं और लगातार साथ हैं, 25 वर्षों से साथ हैं हम लोग नीतीश कुमार के कार्यकर्ता हैं, रहेंगे भी। अच्छा, जब तक माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के हित में, बिहार वासियों के हित में, आम आवाम के हित में ये निर्णय लिया है, और बिहार के मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन बिहार के हित में जो अच्छा होगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। वहीं अमित शाह लगातार कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में हमारी सरकार कभी नहीं जुट सकती, कभी नहीं जा सकती, और आज NDA में जाके शामिल हो गए नीतीश कुमार, क्या कहिएगा? देखिए राजनीतिक जो है संभावनाओं का खेल है। और जहाँ तक नीतीश कुमार की बात आप करेंगे, तो नीतीश कुमार बिहार के जन जन के दिलों में बसे हुए हैं। उन्होंने 2005 में जब से सत्ता संभाले, कोई ऐसा समुदाय वंचित नहीं रहा जिनके लिए विकास का जो है काम नहीं किया। एक माँ के पेट से लेकर और कब्र या फिर शमशान तक जाते जाते वक्त भी उन्होंने योजना बना के काम किया। श्री कृष्ण बाबू का नाम आप लोग सुने होंगे, बिहार विभूति जो है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह का नाम सुने होंगे। अगर उसके बाद अगर कोई बिहार का मुख्यमंत्री, अगर बिहार के हित के लिए अगर कोई बना है, काम किया है, तो वह नीतीश कुमार है, दूसरा कोई नहीं है। और नीतीश कुमार के ऊपर जब तक नीतीश कुमार हैं बिहार में, तब तक बिहारवासी चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, वो निश्चिंत रहे, कहीं से कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ विकास होगा और विकास के जरिए से वो आगे बढ़ेगा। क्या महागठबंधन की, जब सर महागठबंधन के साथ थे तो क्या विकास नहीं हो रहा था बिहार में, रोजगार नहीं दिया जा रहा था जो NDA में शामिल हुए? हम तो NDA के भी साथ 17 साल रहे हैं, नीतीश कुमार ने काम करके जो है दिखा दिए हैं, महागठबंधन के भी साथ रहे हैं, नीतीश कुमार ने काम करके दिखा दिए हैं। हाँ, जहाँ पे ये लगा कि और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी अगर मिले विकास के मुद्दे पर, तो मैं उसके साथ रहूं, तो वैसा जो फैसला वक्त पे लेते रहते हैं। और ये समझिए कि आप इंजन वही है, डब्बा से बदला है। आखिर बदलने का क्या रीजन था? महागठबंधन में थे तो क्या नीतीश कुमार संतुष्ट नहीं थे जो कि आज NDA में शामिल? देखिए कुछ न कुछ तो वहाँ पे जो मामला हुआ है जिसके वजह से जो है माननीय नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे थे। विकास का जो रफ्तार था, रफ्तार में कुछ कमी आ गई, उसको देखते हुए ये बिहार के हित में, बिहार के असीमता को देखते हुए उन्होंने फैसला लिया। और अभी कुछ देर पहले आप देखेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो इस्तीफा सौंपे हैं, अब फिर सरकार बनेगी और सरकार वही इंजन रहेगा, सिर्फ डब्बा बदल जाएगा। पद ग्रहण तो नहीं लिए हैं, कुछ देर बाद होगा, लेकिन ये बात सभी को समझना होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस भी पार्टी के साथ जाएँ, जिस भी पार्टी में, जिस भी दल में वो रहें, NDA के साथ हो या NDA के साथ हो, लेकिन कभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने नीतियों से समझौता नहीं किया है। जो नीतियां हैं उन्हीं नीतियों पे वो चलते आए हैं, चाहे NDA में रह के भी अगर सम्मान किसी को देना हो, विपक्ष को भी, तो उन्होंने सम्मान देने का काम किया है। और जहाँ तक विकास की बात है, तो अभी ये साफ जाहिर होता है कि अगर भाजपा के साथ ये जा रहे हैं, तो इससे बिहार को समुचित, जो बिहार का हक है, जो बिहार के हित में
जो भी फैसला लेना होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं और ये बिहार के लिए बहुत ज़रूरी भी है, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा जैसे हो गया, ये मांग हो गया, या अन्य भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिससे बिहार का विकास जुड़ा हुआ है, तो उन सभी मांगों को कौन पूरा कर सकता है सिवाय बीजेपी के? कोई पूरा कर सकता है? नहीं कर सकता है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। तो क्या वो मतलब तेजस्वी जी के साथ यानी लालू यादव के साथ रह के वो खुश नहीं थे क्या? उनके सर उनके साथ सरकार बना के वो खुश नहीं रहते? देखिए, बात खुशी की नहीं है, दूसरी बात ये भी है कि माननीय मुख्यमंत्री, जैसे हम लोगों को कहा जाता है कि तीन नंबर की पार्टी हम लोग हो गए, हम लोगों के विधायक तीसरे नंबर पर पहुँच गए, लेकिन वास्तविकता इससे परे है। हम लोगों के साथ सीट 100 सीट के आसपास जदयू के। अब आप लोगों को नीतीश कुमार को किस तरह से देख रहे हैं? नीतीश कुमार को हम लोग देख रहे हैं कि बिहार का विकास सबसे पहले जो सर्वप्रथम जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है कि बिहार के सम्मान के लिए, बिहार के हक के लिए वो पहले भी लड़ाई कर रहे थे, आज भी लड़ाई कर रहे हैं, और विकास के मुद्दे पर जो भी काम है उसको माननीय मुख्यमंत्री जी, आज भले सरकार बदल रही हो लेकिन जो भी कार्य हैं वो सारे कार्य किए जा रहे हैं, चाहे वो तबादलों का हो या फिर कहीं भी, कल भी बक्सर में गए हुए थे, तो कार्यों को माननीय मुख्यमंत्री जी रोकते नहीं हैं। इनके बगल वाली सीट स्टीयरिंग पे हमेशा यही रहते हैं, बगल वाली सीट पे यही होता है कि कभी वो बैठ गए कभी वो बैठ गए, तो ये बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार को आगे बढ़ाने के लिए ऐसे कड़े फैसले लेते रहेंगे और इसी में बिहार का भला है।